लास्ट क्लास में भी अपन ने एमीटर के लिए देखा था, अब आज वाली क्लास में अपन देखेंगे भी वोल्टमीटर के लिए। तो वोल्टमीटर क्या करता है, किस तरीके से आप लोग इसकी प्रास बढ़ाएंगे और किस तरीके से छोटे मोटे वन लीनियर इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो पहली चीज कि वोल्टमीटर है वो आपको किसको मापने के लिए काम में लिया जाता है भाई, तो विभव को मापने के लिए सदैव आपका वोल्टमीटर काम में लिया जाता है। और यह परिपथ में किस क्रम में लगता है, तो हमेशा आप लोगों को बताना, इसका जवाब देना है कि परिपथ में वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो वोल्टमीटर है वो आपका समांतर क्रम में लगेगा, वोल्टेज मापने के लिए काम में लिया जाएगा, जिसे अपन कहते हैं भाई विभव, विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर काम में लिया जाएगा। अगर यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक अच्छे वोल्टमीटर का, अच्छे वोल्टमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, तो अच्छे वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो हमेशा अधिक होगा। अच्छा वोल्टमीटर वही होगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस का मान है, प्रतिरोध का मान है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होना चाहिए भाई, आपका अधिक होना चाहिए। अच्छे वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब यदि आप लोगों से ये कह दें कि आदर्श वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध बताइए, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध बताना मेरे भाई आपको अनंत। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए भाई, अनंत। और आदर्श वोल्टमीटर की यदि आप लोगों से चालकता पूछ ले, आदर्श वोल्टमीटर की आपसे चालकता पूछे, तो चालकता आप लोगों को बतानी है भाई आदर्श की कितनी बताओगे आप, शून्य, महो या फिर साइमन। अब यदि आप लोगों से पूछे आदर्श वोल्टता स्रोत, आदर्श वोल्टता स्रोत का प्रतिरोध, आदर्श वोल्टता स्रोत का प्रतिरोध आप ले आपसे पूछ लें, तो आदर्श वोल्टता स्रोत का प्रतिरोध आप लोगों को बताना भाई शून्य। आदर्श वोल्टता स्रोत का प्रतिरोध कितना बनाएंगे, शून्य। जबकि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना बनाना है, बताना आप लोगों को अनंत। और अच्छे वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अधिक। तो सामान्य वोल्टेज मापने के लिए अपन विभव मापने के लिए वोल्टमीटर को काम में लिया जाता है, और अधिकतम जो वोल्टेज होता है उसको मापने के लिए अपन पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं, विभव परिणामित्र काम में लेते हैं। पूरी डिटेल मैंने ट्रांसफॉर्मर का पूरे लेक्चर डाल रखे हैं, आप यूट्यूब पे जाएं और पूरी चीजें आप देखें। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की सहायता से अधिक वोल्टेज मापते हैं। अब यदि मैं कह रहा हूं कि एक वोल्टमीटर है मेरे पास में जो जीरो से लेकर आपकी 1000 वोल्टेज माप रहा है, उसकी प्रास है, उसकी रेंज है, जिसे अपन कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जिसे अपन कहेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के नाम से जानेंगे, जिसे अपन प्रास भी कह सकते हैं और कह सकते हैं अपन पूर्ण विक्षेप पैमाना, पूर्ण विक्षेप पैमाना, जो जीरो से लेकर 1000 वोल्टेज माप रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जीरो से लेकर आपका 2000 वोल्टेज मापे, जीरो से लेकर ये 2000 वोल्टेज मापे, तो साधारण सी बात है इसकी प्रास में अपने को क्या करनी है, चेंज करना है, प्रास को क्या करना है, बढ़ाना है। तो वोल्टमीटर की प्रास बढ़ाने के लिए हमेशा प्रतिरोध है वो किस क्रम में जोड़ा जाएगा, आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। और जनरली उसका सूत्र होता है आर एस बराबर आर एम गुणा एम माइनस वन। अब ये चीज आप लोगों को कैसे प्राप्त होगी, जनरली आप देखेंगे शॉर्ट में कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी कि एमीटर की, वोल्टमीटर की प्रास बढ़ाने के लिए प्रतिरोध है वो आप लोग श्रेणी क्रम में किस तरीके से जोड़ते हैं। एमीटर में भी आप लोगों ने देख रखा है एमीटर की प्रास बढ़ाने के लिए सदैव प्रतिरोध हो किस क्रम में लगाया जाता है, भी समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब मान लीजिए आपके पास में यहाँ सप्लाई है वोल्टेज V आपने दे रखा है, और ये पहले का आपका एक वोल्टमीटर है जो जनरली आप लोगों ने लगा रखा है, और ये प्रतिरोध आप लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ देंगे। यहाँ वोल्टेज आप लोगों ने V दिया है, यहाँ जो करंट आ रही है वो आपकी I करंट आ रही है, इसमें जो करंट आएगी वो आपकी IM करंट होगी, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज वो आपका VM है, और यहाँ इस प्रतिरोध के अक्रॉस जो वोल्टेज वो मान लीजिए आपका VS ही है। इस वोल्टमीटर का जो पहले का प्रतिरोध है वो आपका RM है, और नया प्रतिरोध अपन जोड़ रहे हैं वो क्या भाई आपका RS ही है। तो देखो एमीटर में सीरीज में ये दोनों भाग हैं, तो यहां वोल्टेज अलग है और यहां वोल्टेज का मान क्या है अलग है, और करंट का मान तो क्या भाई I बराबर IM है, और इसमें जो करंट जा रही है उसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं आपकी आई से, तो तीनों धाराओं का मान क्या है समान है, क्योंकि कारण क्या देना चाहेंगे कनेक्शन किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो देखो रेंज बढ़ाने के लिए मैं लिख सकता हूं कि यहां से जो आपका V है, V का मान क्या है भाई आपका VM
प्लस VSH के बराबर है। VM के लिए अपन लोग क्या लिख सकते हैं, VM, V के लिए अपन लिख सकते हैं कि VM प्लस VSE, SH नहीं है, VSE मतलब सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। अब देखो मैं ये तो V रख रहा हूं, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है भाई आपका IR होता है, I कौन सा IM और रेजिस्टेंस कौन सा एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, और इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं भाई आपका ISE और RSE। तो V बराबर मैंने लिख दिया आपका IM RM प्लस ISE RSE। अपन क्या चाह रहे हैं कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस जुड़ेंगे उसका मान कैसे प्राप्त करेंगे, ये चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से मैं क्या करता हूं IM को कॉमन ले लेता हूं, तो V बराबर मान लीजिए मैंने IM को कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा भाई RM प्लस RSE। कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि सीरीज में करंट का मान क्या है समान है, कॉमन इसलिए लिए मैंने लिया है कि IM का मान हो किसके बराबर है आपका ISE के बराबर है, इसलिए मैंने V बराबर लिख दिया आपका IM RM प्लस RSE। IM को क्या करता हूं मैं V के नीचे ले आता हूं, तो ये क्या आपका भाई IM है, तो यहां हो गया आपका RM प्लस RSE। अब देखो V बटा IM, यहां से क्या करता हूं मैं RM को कॉमन ले लेता हूं, यहां से मैंने क्या किया RM को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा भाई RM को कॉमन लेऊंगा तो 1 प्लस RSE बटा RM, RSE बटा RM किसको कॉमन लिया था मैंने RM को कॉमन लिया था, तो वहां लिख दिया मैंने 1 प्लस RSE बटा RM। अब देखो मैं इसके नीचे V IM है ही और इस RM को यहां ले आता हूं, तो इधर क्या बचेगा आपका 1 प्लस RSE बटा RM। IM गुणा RM की जगह मैंने क्या लिखा था भाई VM लिखा था, तो मैं लिख सकता हूं यहां V बटा इन दोनों का गुणनफल वो क्या कहलाएगा आपका VM कहलाएगा, और यहां क्या आपका 1 प्लस RSE बटा RM। अब देखो ये V तो क्या है प्राप्त बढ़ाने के बाद में प्राप्त होने वाला वोल्टेज, और VM क्या है वोल्टमीटर पहले जो वोल्टेज माप रहा था। इन दोनों के अनुपात को अपन कहते हैं मल्टीप्लायर फैक्टर, जिसे जनरली अपन M से डिनोट कर सकते हैं, M से डिनोट कर सकते हैं, और ये मान लीजिए 1 में ले आता हूं तो यहां क्या हो जाएगा आपका M माइनस 1 बराबर क्या होगा भाई आपका RSE बटा RM। अब अपने को तो क्या चाहिए भाई RSE चाहिए, तो यहां से मैं RSE बराबर इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा तो क्या होगा आपका RM M माइनस 1। तो श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर की प्राप्त बढ़ाने के लिए जो सीरीज में आप लोग प्रतिरोध जोड़ेंगे वो अपने को प्राप्त होगा RM cos तक M माइनस 1, RM M माइनस 1। M क्या है जो वोल्टेज आप मापना चाह रहे हैं, और VM क्या है जो वोल्टेज पहले माप रहा था, उन दोनों के अनुपात को अपन लोग क्या कहते हैं मल्टीप्लायर फैक्टर कहते हैं। तो ये था भाई आपका वोल्टमीटर की प्रास बढ़ाना, वोल्टमीटर की प्रास बढ़ाने के लिए सदैव प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ता है भाई श्रेणी क्रम में, और ये प्रतिरोध भी आप लोगों का शून्य ताप गुणांक पदार्थ का ही बना होगा जो जनरली मैग्नीन होता है, यूरेका होता है, और यूरेका को अपन क्या कहते हैं भाई कॉन्स्टेंट कहते हैं। धन्यवाद।